चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में मासूम बच्चे पर चाकुओं से हमला कर लहूलुहान करने का मामला सामने आया है, जहां आरोपी पड़ोसी युवक ईशानगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी पड़ोसी के घर की चोरी की नियत से घुसा था। वहीं मासूम बच्चे के चिल्लाने पर आरोपी ने बच्चे पर चाकुओं से 25 वार किया था। बच्चा भी गंभीर रूप से घायल है। 12 वर्षीय मासूम का ग्वालियर अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल ये लेट इवनिंग में एक छोटा बच्चा था, करीब 12-13 साल का, जिसको उसी की बस्ती में रहने वाले दूसरे व्यक्ति द्वारा मल्टीपल वुंड्स दिए गए थे, चाकू के वुंड्स थे कई, और बच्चे को ये हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो सभी अधिकारी वहाँ पहुँचे थे। बाद में उसको रेफर कर दिया गया, जिसका आगे ट्रीटमेंट चल रहा है। कंडीशन अभी बेटर है, पहले से गंभीर मैटर था। हमने 307 और अन्य सुसंगत धाराओं में FIR रजिस्टर्ड करी है, और कल ही SP सर के निर्देशन में टीम बना दी गई थी। तो अभी उसको हमने ईशानगर थाने के पास से उसको अभी रक्षा मिलिया है, उसको लाके पूछताछ की जाएगी और आगे उस पर कार्रवाई।